पुलिस को आगे करती है, वो हमारा चीज खराब करना चाहते हैं हमेशा। हर एक संविधानिक मोड़ जो हम उठाते हैं सरकारें खराब करती हैं। तो एडवोकेट महमूद प्राचा जी यहाँ पे हैं, बात करने दो, बात करें, बोलो क्या बात है। आपको कानूनी अधिकार नहीं है ना, मैं ये कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से गैर कानूनी काम कर रहे हो, मैं आपको नहीं, नहीं, मैं आपको प्रूव ही नहीं कर के सारी जो हमारे लोगों को, मैं एक घंटे में इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि रोक दो आपको। मैंने अब सुन लीजिए मेरी बात, आपको आपके डीसीपी साहब गुमराह कर रहे हैं, आपको उनका ऑर्डर नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो आपको ही गुमराह कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं कब मैंने पहले दी थी, मैंने ईमेल दी थी पहले, आप मेरी बात सुन लेना। मैं क्योंकि आप सरकारी अधिकार हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपराध करते हैं। मैंने आपके ऑफिस में डीसीपी साहब जो इस चीज के इंचार्ज हैं उनको 15 दिन पहले एक ईमेल भेजी थी, उन्होंने उस पर कुछ नहीं किया। अब मैं क्या प्रिज्यूम करूंगा? अगर उनको ऐसा पता था कि हम बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए अगर कोई मार्च निकालेंगे तो डीसीपी साहब को परेशानी होगी, ऐसा सोचूं मैं? उन्हीं डीसीपी साहब के ऑफिस के बाहर भारत का संविधान जलाया जाता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की, पता है आपको? ये पता है आपको? ये हमने सोचा कि हम तो संविधान बचाने के लिए काम कर रहे हैं तो वो तो इससे खुश हो गए होंगे। हम तो बल्कि आपके ऑफिस में जब राजेश जी गए थे 110 नंबर 12 नंबर पे फोन तक किया था उनके ऑफिस जाके, ये कहने के लिए कि आप जो है पुलिस अधिकारी भी थे, जो हम यहाँ पे जय संविधान करेंगे, बाबा साहब की जय करेंगे। हम सोच रहे थे मैं आपको अब जवाब नहीं दूंगा, आपको बात नहीं, आपको नहीं पता सर। आपको कल शाम को जब पता चल गया था रिक्वेस्ट है कि आपका प्रदर्शन है जो मना कर दिया गया, तो आपने मना कर दिया। सवेरे मैंने फिर किया, फिर मुझे लगा था कि मुझे नहीं, आपने मेरे से कहा आप संविधान मानते हो, मैंने कहा मानते हो, मैंने उस संविधान के तहत कानून के तहत आपको मना किया है ना, उस संविधान के डर के खिलाफ है, वो भारत के संविधान को जो लगा देना, मैं यही लगा रहा हूँ ना, आप लगाओ मेरे पर मुकदमा लगाओ, मैं आपको FIR नंबर दो। तो इनको कानून सिखाना जरूरी है, ये गैर कानूनी तौर से पुलिस रोक रही है, लेकिन जो अभी SHO साहब ने मेरे कान में बात कही है उसको मुझे सुनकर सोचना पड़ रहा है। उन्होंने ये कहा है, अमित शाह जी ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए कि अगर ये लोग नहीं रुकेंगे तो इनको गोली गोली जब तक गोली होने का है।